प्लस 3 होल 1 ओवर 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट, मुश्किल कोई बात नहीं है। देखें जी, स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेके जाते हैं। 2 3s are 6 और 6 में 2 को प्लस कर देंगे 8, 8/3 प्लस का साइन। 3 2s are 6 प्लस 1 7/2। अब हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन बन गई 8/3, 7/2। अब ये देखिए दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, इनका हम एलसीएम लेंगे पहले। 2 3 2 1s are 3 as it is, 3 1s are क्लियर, 2 3s are 6, 6 इज द एलसीएम। अब हमें क्या करना होगा, हमें हम नीचे वाली वैल्यू को 6 बनाना है। 8/3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगाएं। 7 यहां पे 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से करेंगे, ताकि हमारे पास 6 बन जाइए। यहां पे आ जाएगा 8 2s are 16/6 प्लस का साइन। 7 3s are 21/6 क्लियर। अब हमारे पास जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएं 6 और 6 तो हम ओके जो न्यूमिनेटर है उनको जस्ट प्लस कर देते होते हैं। ये देखें 21। अब आपके पास आ जाएगा 37/6 क्लियर। अब हमें क्या उसका नाम है, इसको थोड़ा सा चेंज करना करना होगा फर्दर, ऐसे करते हैं हम, इसको थोड़ा डिवाइड करना होगा। 37/6 यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो देखें जी स्टूडेंट, हमारे पास जो आंसर आएगा 6 होल, ये वाला 6 होल, ये वाला 6 इधर और ये 1 वाला 1 इधर, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। क्लियर स्टूडेंट? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज